Hello students, today we are going to start the last lesson of semester 1, that is lesson 23, paragraph writing. A paragraph is a short composition on a single theme. Paragraph hai short composition hai, short paragraph hai theme pe. Note the following features of a good paragraph. All the sentences in the paragraph should be related to the theme. जितने भी sentences आप लिखते हो paragraph में वो सब theme से related होने चाहिए. Every sentence should naturally follow the previous one and lead the next one. हर एक sentence ऐसा होना चाहिए कि जो previous sentence को follow करता है और next sentence को lead करता है. The first sentence should introduce the theme. First sentence ऐसा होना चाहिए जिसमें आप theme का, topic का introduction दे रहे हो. The next few sentences should develop the theme and give more details in an interesting manner. उसके बाद के few sentences वो theme को develop करने चाहिए. उसके बारे में थोड़ी precise detail देनी चाहिए जिससे interesting लगे paragraph. The last sentence should sum up the ideas in a clear manner. And last sentence ऐसा होना चाहिए कि पूरे paragraph का theme का एक ending हो, पूरा clearly हमें पता चले कि ये paragraph किस बारे में था. Now, let us start the first paragraph. That is my grandmother. Grandmother मतलब हमारी दादी माँ. My grandmother is an old woman. मेरी ग्रैंडमदर है वो एक ओल्ड वुमन है. ओल्ड मतलब बूढ़े, बुजुर्ग है. शी इज स्लिम एंड शॉर्ट. वो स्लिम है मतलब पतले हैं और शॉर्ट है, उनकी हाइट है वो शॉर्ट है. शी वियर्स ग्लासेस एंड इज ऑलवेज ड्रेस्ड अप इन अ स्पॉटलेस वाइट साड़ी. मेरी जो ग्रैंडमदर है वो ग्लासेस मतलब चश्मा लगाते हैं और हमेशा स्पॉटलेस मतलब कोई भी निशान धाक धब्बे के बिना वाली वाइट साड़ी पहनते हैं. सिंस आई हैव वर्किंग पेरेंट्स मोस्ट ऑफ माय टाइम इज स्पेंट इन हर कंपनी. अब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग पेरेंट्स हैं तो मेरा मोस्ट ऑफ टाइम दादी के साथ स्पेंड होता है. शी लव्स मी अ लॉट. वो मुझे बहुत प्यार करते हैं. एंड आई रिस्पेक्ट हर वेरी मच. और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. आई एम ऑल्सो ग्रेटली अटैच्ड टू हर. एंड मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हूँ. अर्ली इन द मॉर्निंग शी वेक्स अप एंड हेल्प्स मी टू गेट रेडी फॉर द स्कूल. दादी माँ जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं और मुझे हेल्प करते हैं ताकि मैं स्कूल रेडी होके जाऊँ. वी ईट आवर लंच टुगेदर आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल. स्कूल से वापस आने के बाद हम साथ में दोपहर का खाना खाते हैं. लंच मतलब आफ्टरनून का खाना. शी इज़ वेरी काइंड एंड जनरस टूवर्ड्स एनिमल. वो एनिमल्स की तरफ बहुत ही काइंड है और जनरस है. एनिमल बर्ड्स एंड पीपल. अब एनिमल्स बर्ड्स एंड पीपल सबकी तरफ वो अच्छी भावना रखते हैं. शी इज़ वेरी रिलीजियस. वो भगवान में बहुत ही मानते हैं. शी टेल्स अस मैनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज इन द इवनिंग. इवनिंग के टाइम में, शाम के टाइम में वो हमें बहुत ही माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनाते हैं. माइथोलॉजिकल मतलब जो भगवान से रिलेटेड हों. She always prays for the peace and prosperity of our family. वो हमेशा ही हमारे family की शांति के लिए और success के लिए prayer करते हैं. She educates me about culture and values. वो मुझे culture और values के बारे में सिखाते हैं. I love my grandmother. मैं मेरी grandmother से बहुत प्यार करती हूँ. So students, this is the first paragraph. Now you have to learn this paragraph and you have to write in your notebook 2 times. You have to write it 2 times.